मालथौन थाना इलाके के प्रेमपुरा में बीते दिनों ग्वालियर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष और उनके साथियों के साथ हुई लूटपाट की घटना में शामिल कंजर गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। गौरतलब है कि 24-25 जून की दरमियानी रात अज्ञात लुटेरों ने स्टेट बार काउंसिल जबलपुर की मीटिंग से लौट रहे भिंड और ग्वालियर जिले के 7 अधिवक्ताओं, जिनमें ग्वालियर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा भी शामिल थे, उन पर धारदार हथियारों से हमला कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। सभी अधिवक्ता अपनी निजी कार पर सवार थे। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि लुटेरों ने पहले रामपी से कार को पंक्चर किया, फिर टायर बदलते समय अचानक इन पर हमला कर दिया था और लुटेरे घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने इस घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट के 55,000 रुपए, कुछ जेवरात और सामान बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इस घटना को कंजर गिरोह के 8 सदस्यों ने मिलकर अंजाम दिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। एसपी ने कहा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। चौबीस तारीख की रात लगभग 10:30-11 बजे के आसपास हमारे ग्वालियर बेंच के कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ जबलपुर से जब वो लौट रहे थे तो मालथौन के बरोदिया के पास कापी लगाकर उनसे लूटपाट की एक वारदात हुई थी, जिसमें लगभग 78,000 रुपये, एक चैन, 4-5 अंगूठियाँ, इसके अलावा उनका मोबाइल और घड़ियाँ लूट ली गई थी। घटनास्थल को जैसे ही हम लोग को जानकारी मिली, घटनास्थल पहुंचे और स्पष्ट तौर पर यह किसी व्यावसायिक गैंग के द्वारा किसी वारदात को होने का इंडिकेशन था। उस आधार पे हमने पूछताछ की तो पूछताछ में बड़ा स्पष्ट तौर पे दो चीज़ें आई थी, जिसमें एक आरोपी का कुछ पैर से लंगड़ा होने की बात और दूसरा एक काफ़ी शॉर्ट हाइट का। इस सूचना पर हमने जो गैंग कंजर गैंग और आर्मी गैंग है उस पर फोकस किया और उसके आधार पर हमारी जो सूचना मिली, सूचना पर हमें बैरसिया की एक गैंग का जानकारी मिली थी। उस जानकारी के आधार पर हमारी टीम रवाना हुई और उसमें हमने दो आरोपी, एक सफल कंजर, दूसरा घासी कंजर, जिनको गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हमें लगभग 55,000 रुपये नकद, दो अंगूठियाँ और घटना में प्रयुक्त जो वाहन है उसको हमने जब्त कर लिया है, उसको हमने बरामदगी हो गई है। शेष जो 6 आरोपी हैं और बाकी जो संपत्ति है उसके लिए हमारी टीमें रवाना है और प्रत्येक आरोपी जो 6 आरोपी तक आइडेंटिफाई हुए उनके विरुद्ध 10,000 रुपये का इनाम किया गया। अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही।